एक्चुअली इसके सामने पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे तो मजे आ रहे थे, बता रहा हूँ मेरे को बहुत मजे आ रहे थे। आई एम जस्ट जोकिंग। एक्चुअली टेक्स तो अलग अलग एंगल्स के होते हैं, बट मैंने कोशिश की कि मैं सानवी को काफ़ी कंफर्टेबल कर दूँ। बेचारी को उन्होंने बताया नहीं था कि किसिंग सीन होने वाला है, एंड इट वाज जस्ट अ पैक, यार, नॉट अ बिग डील। बट उसके बाद हमने बहुत सारे और किसेस किए हैं। आई थिंक अब सानवी कंफर्टेबल हो रही है। मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं हूँ वैसा लड़का जैसे तू समझ रही है मेरे को। राइट, इट वॉज अ वेरी अनकम्फर्टेबल मोमेंट फॉर मी, और थैंक्स टू करण। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा है कि करण ने किसी साल आपसे मिले थे और आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया था उन्होंने कि यू लुक लाइक अ नर्वस पार्की। तो फिर करण क्या था ये साल भी आपने मुझे हमें ये सुनने में आया था? हाँ, ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। दैट टाइम आई वॉज इन चंडीगढ़, तो वहीं पर हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए मिले थे, तो तब इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। हाउ इज़ इट वर्किंग विद योर को-स्टार, कैसी है? बहुत स्वीट है यार। एक्चुअली सी व्हाट हैपेंस इज कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है ना, तो सारा का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक इस बार हमारा जो टीम है बहुत अच्छी है। सनी इज़ वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव, हमेशा हंसती रहती है। एवरीबडी इज़ लविंग हर राइट नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी यार कि देयर इज़ अ नाइस कम्फर्ट लेवल विद इन ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर। इट्स अ स्वीट लवली रोमांटिक एंड क्लासिकल म्यूजिक शो, सो प्लीज कीप वॉचिंग। आई वुड से दैट यू गाइज हैव बीन रियली रॉक स्टार्स व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग मी एंड माय शोज whatever I've done, and I've always strive to give you the best that I can, and I'm striving hard now. So yeah, give this show a shot, and we'll be happy. Thank you so much. Thank you.